फील्स लाइक हम लोग रेड कार्पेट पे जा रहे हैं। अब देखते हैं कितने लकी है, ड्रॉ निकलता है कि नहीं। लेट्स सी क्या हो रहा है। ये मसाज हो रहा है, मसाज का कुछ भी ज़्यादा हो रही है। कैसे लग रहा है? सो दिस इज द स्टॉक मार्केट्स बुल। जो कि एंटरटेनमेंट पैराडाइज में लगी हुई है जवाहर सर्किल पे, एंड दिस इज ए टच ऑफ क्लास। तो आज इसी एग्जीबिशन को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग सी एग्जीबिशन है, दो पार्ट्स में लगी हुई है, लॉन में भी है और हॉल में भी है, तो दोनों ही जगह को कवर करेंगे। और यहाँ पे बहुत, मतलब जयपुर ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से कई लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रखा है। कई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। बट बिफोर वी गेट इनटू इट, इफ यू न्यू टू माई चैनल हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो आर यू रेडी? आई नो यू आर, लेट्स गो। तो ये है पार्किंग एरिया, काफ़ी अच्छी खासी पार्किंग है। एंटर करते ही आपको पार्किंग मिल जाएगी, एंड दिस इज सेंट्रल लॉन, एंड ये है सामने जाने का रास्ता, एंट्री गेट। और बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल टाइम है, और फेस्टिवल टाइम में ही सारी एग्जीबिशंस लगती हैं। और जयपुर में तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एग्जीबिशंस लगती हैं, और जिसमें से ए टच ऑफ क्लास भी एक है, और उसी एग्जीबिशन को हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। फील्स लाइक हम लोग रेड कार्पेट पे जा रहे हैं। एंट्री 20 रुपीज़ पर पर्सन, तो लेते हैं अपनी टिकट पहले और फिर चलते हैं अंदर। लेट्स गो। टिकट्स हमने ले लिए, अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ से एंटर करना है, चलते हैं एंटर करते हैं। अच्छा, मोबाइल से स्कैन करना है, तो उससे क्या होगा? लकी ड्रॉ है ना। अच्छा, लकी ड्रॉ है। अब देखते हैं कितने लकी है, ड्रॉ निकलता है कि नहीं। लेट्स सी। तो सुंदर मंदिर बना रखा है और फर्नीचर यहाँ पे ऑसम है। सो दिस इज द स्टॉक मार्केट्स बुल। जब भी मार्केट बुलिश होता है तो यही नजर आता है, और यहाँ पे भी यही नजर आ रहा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश हो जाने वाला है, विच इज वेरी गुड। सो गाइस, यहाँ पे इंटीरियर काफी अच्छा है एग्जीबिशन का, सीलिंग इतनी प्यारी लग रही है, सी नीचे कारपेट्स हैं। मतलब शिल्पा शेट्टी को तो हम सब लोग जानते हैं, और उनके हाथ में जो घड़ी चमकती है उसे हम कैसे भूल सकते हैं, और वही यहाँ पर भी है। सी, दिस इज शिल्पा शेट्टी वॉच, और ये यहाँ पे मिल रही है 2500 की मिल रही है। तो ये क्या हो रहा है? ये मसाज हो रहा है। मसाज का वो आपको लग रहा है सर, ये आपका लोअर बैक, अपर बैक, मिडिल, सर्वाइकल सभी में काम करेगा। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि कोई दबा रहा है। हाँ, ये देखिए, अभी इसकी एक्सरसाइज चेंज कर दी, 5% इसका एक्सरसाइज चेंज होता है और 20 मिनट में बंद हो जाता है। ये नीचे फिट का हिसाब का दबाएगा। कैसे लग रहा है? 1800 का है ये। इट्स लुकिंग सो प्रिटी ना, मतलब कोई स्लीवलेस पे भी पहन सकते हैं, ब्लाउज पे पहन सकते हैं, साड़ी पहन के उसके ऊपर पहन सकते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इस शोरूम पे किसी भी लेने जाएंगे तो 6000 का है, और यहाँ पे आपको डिस्काउंट करके 2800 का है।
एक से बढ़िया पीस मिलेगा आपको। ये कलर आएगा, मैन कलर आएंगे इसमें, कलर सारे कलर, ये देखिए सारे घोन प्यारे प्यारे, ये भी बड़ा प्यारा है, कलर बहुत प्यारे मेरे पास, वाइट क्रीम कलर है, सारे कलर हैं। तो यार भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि लिमिटेड पीरियड के लिए एग्जीबिशन लगती है। और ये है अभी वीकेंड टाइम, हॉलीडेज है और सबकी छुट्टी है, तो सब लोग ही घूमने निकले हैं, इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए हैं। और कई फोटोग्राफर्स ब्लॉगर्स भी हैं यहाँ पे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब जगह चल रही है, और शॉपिंग भी जोरों शोरों पर चल रही है क्योंकि आने वाली है दिवाली। दिस इज़ फेस्टिव टाइम, हर जगह फोटोग्राफी चल रही है। जिस स्टॉल पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगी हो ना, यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे फीमेल से रिलेटेड कोई चीज़ मिल रही है, क्योंकि भीड़ वहीं पे देखने को मिलती है, क्योंकि शॉपिंग करने का जितना शौक फीमेल्स को होता है, मेल्स को नहीं होता। तो यहाँ पे भी ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। सो गाइस अभी सफाई का टाइम आ चुका है, दिवाली की सफाई का, और यहाँ पे डेमो भी दे रहे हैं कि कैसे कैसे आप सफाई करें। सो गाइज ये एग्जीबिशन ना दो पार्ट्स में है, एक तो यहाँ पे अंदर इनसाइड, और एक यहाँ पे बाहर लॉन में लगी हुई है, इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ से एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं इस सेकंड पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, और ये आउटडोर है और फूड कोर्ट भी आपको यहीं मिलेगा। सी वहाँ पे सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, यहाँ पे फिर से स्टॉल शुरू हो जाती है, और घूमते घूमते यहाँ पे जब आप आएंगे वहाँ पे भी आई गेस कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, और बस शॉपिंग करते रहिए, खाते पीते रहिए, इन्जॉय करते रहिए, और क्या चाहिए, मतलब एक अलग ही वाइब है, और पूरा फेस्टिवल वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ देख के लग रहा है कि हाँ हमारे फेस्टिवल्स आ चुके हैं, और दिवाली बहुत ही पास आ चुकी है, और बिल्कुल फेस्टिवल वाली वाइब आ रही है, और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है इस एग्जीबिशन को एक्चुअली। ये कैसे हुआ? फिक्स है, तो ये येलो कलर येलो का सही मतलब है, इसको मैजिक करना, इसका भी चलेगा, येलो अच्छे मैजिक होता है। फर्स्ट है, वो फिक्स है, फिक्स वो देखिए, इसे आज एमपी पड़ा व्हाइट है, प्लेन है, सब प्लेन है, खाली है, प्लेन प्लेन व्हाइट है ना, ऐसे टच करने का प्रिंट आएगा, दो साइड से प्रिंट आएगा, टच करना व्हाइट होगा, प्लेन होगा प्लेन, ऐसे मैजिक आता है, मैजिक फिक्स। कैसा मैजिक इसके अंदर मिलता है बॉक्स में, जैसे आपका स्मॉल एग अंडा होता है क्या ना, स्मॉल एग, इसको मैजिक करना है, जैसे मुर्गी बन गया, चिकन बन जाता है, मैजिक कर सकेंगे ऐसे। एक कलर देखो फ्लाइंग करता है, फ्लाइंग नोज और ये फ्लाइंग करता है ऐसे, फिर डाउन का डाउन का डाउन, सब मैजिक आता है, मैजिक। ओके रॉक रॉक को ऐसे फोल्ड करना, ठीक है ना, आप भी सेंटर से काटिए, आप काटो मैम, काटिए आप सेंटर से काटिए, यस कुछ हो गया ना, दोनों वैसे नोट बनाएंगे, जुड़ जाता है ज्वाइंट, ये जुड़ जाता है, ठीक है ना, आप इधर से कैच करो, कैच टिकट, आप इधर से कैच करिए, टिकट पकड़िए, आप उसको ब्लॉक करा, फुक मारिए, और किसी को पता भी नहीं पड़ने वाला, चेंज कर दिया मुझे, जादू आ गया, मैजिक आ गया, और आप बस स्टेज परफॉर्मेंस देंगे, मैं तो सुहानी साहब बताइए फुल मल्टीपर्पज यूज लाइक योगा, पिकनिक, सफर, गार्डन, बालकनी, टेरेस, पर इट्स वेरी लाइट वेट टू योगा, राइट, दिस इज एक्चुअली लाइट वेट। इसमें आप ये जो कोराई होता है ना, ये फर्टिलाइज होता है कैरेला के अंदर में, ये पूरा एक रियल कोराई होता है, ये वाला ये प्लास्टिक नहीं होता, ये फर्टिलाइज होता है कैरेला में। डायरेक्शन कंपास, ओके कंपास भी है, मतलब वो पुराने ज़माने में जो चीज़ें चला करती थी ना वो है, एंड दिस इज़ किसी को मैग्नीफाई करके आपको देखना हो तो ये भी है, मतलब बहुत सारी एंटिक चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो मतलब वैसे देखने को नहीं मिलती हैं लेकिन यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप आ सकते हैं। एंड ये बजता भी है, ओह माय गॉड, मुझे लगा कि ये बजता नहीं है लेकिन ये बजता भी है, एंड दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट चेस बोर्ड, दिस इज़ वन मोर चेस बोर्ड, नाइट कितना प्यारा लग रहा है। पहले के ज़माने में युद्ध होते थे ना, तो यही होता था कि ये दो सेनाएं होती थी जो आमने सामने होती थी, फिर युद्ध की रणनीति बेसिकली चेस बोर्ड पे डिसाइड की जाती थी, जो कि आजकल का मॉडर्न चेस गेम बन चुका है, जो कि चेस इंटरनेशनल गेम हम लोग खेलते हैं, बट दिस इज लुकिंग सो इंटरेस्टिंग, एंड बिल्कुल वो वाली वाइब्स आ रही है जो राजा महाराजा वाली वाइब्स होती थी। दिस इज़ माई फेवरेट बोर्ड गेम चेस।
यस एंड बहुत सारी है यार, एग्जीबिशन ख़त्म ही नहीं हो रही, बहुत सारी है, बहुत बड़ी है। मतलब घूमते घूमते दिन से ये शाम हो चुकी है और अभी हम इस एग्जीबिशन के सेकेंड पार्ट में घूम रहे हैं। एग्जीबिशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ और भी है जो हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। केरला के पापड़ से तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? ये बेसिकली ग्लूटेन फ्री रहते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं मैम, रागी का है, चावल का है, साबुदाना है। ये ट्राई कीजिए, ये हमारा स्पेशल केरला का अपलम। ये किस चीज़ का है? उड़द दाल। उड़द दाल का विदाउट मैदा, मैदा किसी में भी नहीं है, किसी में भी मैदा नहीं है, मैदा किसी में भी नहीं है। स्टेट है, बहुत शानदार, ऐसा स्वाद, ऐसी क्वालिटी, पूरी जयपुर में ढूंढने तो नहीं लगेगा। ओके, दिस इज मठिया, गुजरात का है ये। ये मठिया में ना लगे एक डिफरेंट टाइप का पापड़ ही लाया, मतलब खट्टा मीठा पापड़ जिसको कहते हैं ना, वैसा लग रहा है, नॉर्मल पापड़ नहीं, दिखने में नॉर्मल पापड़। अभी ताजा पकौड़ी भी है, ये वो दाल की पकौड़ी है, मूंग की पकौड़ी, मूंग दाल की पकौड़ी, वो पॉश बने के टाइम में मिलती है। खाखरा देना जी, नाम थोड़ा सा डेंजरस है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। इसको 7 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, कहीं कैरी भी कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हो लेके जा सकते हैं। ये वहाँ पे हींग लो और स्पिन करो, हींग लो मतलब यहाँ पे हींग लो और इसको स्पिन करो और आपके जो भी मिलता है वो स्कीम चल रही है। ये है हमारे बसंत मसाले, 54 साल पुराना ब्रांड है, अहमदाबाद का नंबर 1 ब्रांड है। जयपुर में हम 5 साल से काम कर रहे हैं, जयपुर में 3000 दुकानों पे हमारा माल अवेलेबल है, 11 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 15 लड़के हैं और हमारी क्वालिटी एश्योर्ड मनी बैक गारंटी लिख के देने वाली इंडिया की पहली कंपनी है और शुद्धता की हम गारंटी देते हैं कस्टमर को और अगर उसको पसंद नहीं आए तो घर जाके चेंज कर दें। दिस इज अ फूड कोर्ट, मुझे लगा यहाँ पे भी एग्जीबिशन है अभी, बट एग्जीबिशन यहीं तक थी और अब यहाँ पे है फूड कोर्ट। देखते हैं इनका मेन्यू कार्ड क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सो गाइस, आ चुका है अपना डोसा, इसके साथ दिया है इन्होंने सांभर, एक ग्रीन चटनी और ये नारियल वाली चटनी और ये है डोसा। एंड लेट मी शो यू इसकी फिलिंग, फिलिंग तो है यार बढ़िया, मिनी साइज का छोटा सा, छोटी सा डोसा है, जैसे घर पर नहीं बनाते हैं छोटा सा डोसा, वैसे ही छोटा सा डोसा है पर क्रिस्पी लग रहा है तो करते हैं टेस्ट। और उसके साथ साथ हमने मंगाई थी पाव भाजी, तो पाव भाजी भी आ चुकी है ठीक। इसके साथ इन्होंने दिए 2 पाव छोटे छोटे से और भाजी और ये सैलड। तो सबसे पहले करते टेस्ट डोसे को, छोटू से डोसे को, इंजॉय करते हैं अपनी आइसक्रीम को एंड इट्स एक्चुअली सो टेम्प्टिंग।